सिवनी जिले के पंचायत घनसौर अंतर्गत झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा रख फेंकने के लिए पशुपतिनाथ कंपनी दिया गया था टेंडर व 6 से 7 लगभग किलोमीटर रोड बनाई गई, जिसमें लाखों का राजस्व का नुकसान हुआ है। बता दें कि अवैध खनन मुरम की किया गया और रॉयल्टी नहीं ली गई, जबकि राजस्व या किसी जमीन से मुरम पत्थर मिट्टी निकालने के लिए सरकार को एक निश्चित राशि प्रदान करनी होती है। उसके हिसाब से तहसीलदार द्वारा राजस्व के अनुसार उतनी मुरमुन ले जाने की रॉयल्टी प्रदान की जाती है, लेकिन घनसौर में इसका उल्टा है। यहाँ राजस्व अधिकारी की मिली भगत से सरकार को कई लाखों के राजस्व का नुकसान हो गया और अधिकारी मौन बने रहे। जिला कलेक्टर को मामला संज्ञान में दिया गया। क्या सबकी मिली भगत से यह खेल हुआ है? क्या जिलाधिकारी कार्रवाई करेंगे? ये जो मुरम निकल रही है वो कहाँ जा रही है? ये रोड बनाने की। काय की रोड बन रही जी? ये राखड़ा जा रहा पिनाट से। किसका? ये दीनू पाठक बोल रहे। दीनू पाठक जी ने बोला है, कंपनी है। पशुपति वाले। अच्छा जी, जो खोद रहे हो आप मन मुरम, इसकी कुछ रॉयल्टी है? ये मालूम नहीं है। नहीं मालूम, बस खोदते जा रहे हो। कितना खोद चुके अभी तक? ये बड़ी मशीन से खुदाई हुई। बड़ी मशीन से? कौन सी? ये वहाँ पे खड़ी है ना। क्या नाम है बड़ी मशीन का? अब नाम तो नहीं बता सकते अपन। ठीक है, मगर इसका मालिक बता, कौन खुदवा रहा है? ये राखड़ वाले हैं। क्या नाम है? पशुपति कंपनी। नाम क्या उनका? अभी बोली थी ना आपने, दीनू पाठक जी ना, उनके साथ में है वो। अच्छा, पशुपतिनाथ कंपनी जी। सर, ये पावर प्लांट में राख की जो प्रॉब्लम है और अवैध खनन हो रहा है, इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है? खनन की तो समस्या मुझे बताई नहीं है, पर राख के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हम लोग पहले भी चेक करा चुके हैं जी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से वो नॉर्म के अनुसार चल रहा है। अच्छा सर, ये नाले आले सब पुर के खनन करके तो कोई खनन वाला बता दीजिएगा, उसकी चेक कराने में वो पहली बार शिकायत आई जी सर।